शहडोल में भाजपा सांसद ज्ञान सिंह का सनसनीखेज आरोप। पैसों में बिकी शहडोल सीट। संजय पाठक और संभागीय संगठन मंत्री जितेंद्र लटोरिया सहित अजय प्रताप सिंह निशाने पर। करोड़ों के लेन देन का आरोप। हिमांद्र सिंह को पैसों के बल पर दिलाई गई टिकट। टिकट कटने से बागी हुए भाजपा नेता ज्ञान सिंह का निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब पार्टी नेताओं को कटघरे में खड़ा करने वाले बयान से भाजपा में खलबली मची हुई है। शहडोल सीट से वर्तमान सांसद ज्ञान सिंह ने पार्टी नेता संजय पाठक सहित संभागीय संगठन मंत्री जितेंद्र लटोरिया व प्रदेश महामंत्री व राज्यसभा सदस्य अजय प्रताप सिंह सहित कुछ स्थानीय नेताओं पर सीधे आरोप लगाते हुए करोड़ों रुपए का खेल करने की बात कही है। ज्ञान सिंह खुद को गरीब बताते हैं और इतना पैसा खर्च न कर पाने को टिकट कटने का कारण बताया है। अब हिमाद्री में मेरी मीडिया के साथ आप सब जानते हैं। संजय पाठक से पूछिए, लटोरिया जी से पूछिए, मिथिलेश मिश्रा से पूछिए, राकेश शर्मा जी से पूछ लीजिएगा, अब ज्यादा हो तो आशुतोष महाराज से पूछ लीजिएगा, और वो अजय प्रताप सिंह से पूछ लीजिए सीधे वाले से, जो पंच का चुनाव नहीं जीत पाया आज तक, राजसभा में चला गया। सब ऐसे गोटी है भैया मेरे भाई, करोड़ों का खेल है भाई। मुँह से कहाँ पाऊँ मैं यार, 50,000 रुपये 40,000 रुपये महीना चला, मैं कहाँ पाऊँ? मैं तनख्वाह पाता हूँ, उसी को बांटता हूँ। टिकट कटने से आहत ज्ञान सिंह के बगावती तेवर मैदान में ताल ठोकने का मन बना लिया है। ज्ञान सिंह ने हुकार भरते हुए न सिर्फ निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही, बल्कि चुनाव मैदान में अपने साथ सपा बसपा व गोंडवाना के समर्थन का भी दावा किया है। पार्टी के खिलाफ बगावत पर उतर आए ज्ञान सिंह ने पार्टी नेताओं के साथ साथ पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी युवा नेत्री हिमांद्री सिंह को भी निशाने पर लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चुनाव की बात अपन करते हैं, अभी सापा का, गोंडवाना का और आपके बीएसपी का ये की ओर से मेरे को निर्दलीय अगर लड़ता हूं तो उनका पूरा समर्थन, हर तरह समर्थन मिलने के बाद आश्वासन मिला है। फिर